का लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 11। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसमें बहुत ही सुंदर महिमा बताई गई है श्रीमती राधा रानी की और राधा कुंड की। तो इसको हम पढ़ते हैं सब मेरे साथ साथ, देखिए श्लोक को। कृष्णस्योच प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मणिभिरभितस्तादृगेव व्यदायि यत्पृष्ठैरप्यलमसुलभ किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योचैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्यामुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्पृष्ठैरप्यलमसुलभम् किं पुनर्भक्ति भाजाम तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योचैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनि भिरभितस् तादृगेव व्यधायि यत् पृष्ठैरप्यलमसुलभम् किं पुनर्भक्ति भाजाम् तत् प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योचैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्पृष्ठैरप्यलमसुलभम् किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। पढ़ लेंगे आप लोग? यस हरे कृष्ण। जी कृष्णस्योश्चैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्पृष्ठैरप्यलम् अप्यलमसुलभम् किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। हरे वेरी कृष्ण। नाइस जी। और कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण जी। जी कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्पृष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजा तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। वेरी नाइस। और कौन पढ़ेगा? और कोई पढ़ेगा श्लोक?
हरे कृष्णा थोड़ा लंबा श्लोक है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण स्योचय ही, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो उच्चय ही मतलब अत्यधिक ऊंचा, जो सब भगवान श्री कृष्ण का सबसे ऊंचा प्रणय वसति मतलब प्रेम का पात्र। भगवान श्री कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। लेकिन भगवान का एक रूल है, क्या, कि जो मुझसे जैसा, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि, तो जो जिस तरह से कृष्ण से प्रेम करेगा वैसा ही कृष्ण उससे प्रेम करेंगे। मई ते तेषि चाप्यहम्, तो यहाँ पर कृष्ण का सबसे ऊंचा प्रेम का प्राप्त प्रियसी व्योपि राधा, प्रियसी मतलब उनके प्रियसी यानी गोपियों में से, अपि यानी सब में से कौन है, राधा यानी श्रीमती राधा रानी, जितने भी प्रेमी हैं सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कौन करता है, श्रीमती राधा रानी। और कृष्ण भी सबसे ज्यादा कृष्ण से प्यार, राधा रानी से प्यार करते हैं, और जितना वो राधा रानी से प्यार करते हैं, कुंडम चास्या, कुंडम यानी श्रीमती राधा रानी का जो कुंड है, चास्या उनका, और मुनि भी यानी मुनियों के द्वारा अभी वितस बताया गया है, तादृगेव उसी तरह से, जिस तरह से वो राधा रानी से प्रिय प्रेम करते हैं उतना ही वो अपने कुंड से, उनके कुंड से प्रेम करते हैं। और व्यधाई मतलब ऐसा बताया गया है। और यत प्रेष्ठ है अप्यलम सुलभम, यत प्रेष्ठ है मतलब उस वो जो परम उच्च जो भक्त है उनके द्वारा अपि अलम सुलभम का मतलब है प्राप्त करना बहुत कठिन है, ये स्थिति को जो बहुत बड़े चढ़े भक्त होते हैं सिर्फ वही ये बात को समझ सकते हैं कि भगवान कितना श्रीमती राधा रानी से प्रेम करते हैं। श्रीमती राधा रानी निश्चित ही कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय है, और हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड जो है मुनियों के द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निस्संदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ, अलम सुलभम मतलब ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। हर किसी को श्रीमती राधा रानी के प्रति और श्रीमती राधा रानी के प्रति इतना आकर्षण, और वहां पर जाकर वृंदावन में रहना और वृंदावन में भी जाकर राधा कुंड में निवास करना हर किसी को सुलभ नहीं है। तो इसलिए बताया गया, यत् प्रेष्ठैराप्यलम सुलभम किं पुनर्भक्ति भाजाम, भक्ति भाजाम मतलब भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए। तो फिर जब ये इतना दुर्लभ है, जो बड़े बड़े भक्तों को भी लाभ उनका प्राप्त होना मुश्किल है, तो तत् प्रेमेदम सकृदपि सरह, तत् प्रेमेदम तत् मना वह, प्रेमेदम मतलब ईश्वर प्रेम, इदम यह, सकृद मतलब एक बार, अपि सरह यानी वो जो राधा कुंड है, क्योंकि वो इतना प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को जितना श्रीमती राधा रानी है, और वो ही इतना मतलब दुर्लभ है हर किसी के लिए, तो ऐसा कौन होगा। सकृद अपि मतलब एक बार, सरह मतलब उस सरो स्नातुर आविश करोमि, जिसने स्नान कर लिया है, आविश करोमि प्रकट कर देता है, मतलब जो एक बार भी इस पवित्र स्नान कुंड में स्नान कर लेता है उसके हृदय में कृष्ण का प्रेम प्रकट हो जाता है। तो जीवन में कभी भी अवसर मिले तो हमें अवश्य राधा कुंड में जाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है। वैसे तो जब श्री प्रभुपाद जी शुरू शुरू में गए थे ना अमेरिका के कुछ भक्तों को लेकर राधा कुंड पर, तो क्योंकि उस इतनी महिमा तो सुनी थी और वो सब इतने मतलब पता नहीं था कि उनको किस तरह से उस राधा कुंड के यहाँ पर आचरण करना चाहिए। वो क्या कर रहे थे पता है, ऊपर से ड्राइव करके अंदर जा रहे थे। और इस तरह से जब श्री प्रभुपाद जी ने देखा कि ये, क्योंकि कुंड जो है वो श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है, और इस तरह से तो ये जो कर रहे हैं उससे अपमान हो रहा है, तो सब मना कर दिया था, किसी को भी राधा कुंड में स्नान करने की परमिशन नहीं होती थी।
या आप जाओ प्रणाम करो, आचमन करो और आ जाओ बस। लेकिन जो बाद के जो आचार्य हैं, बाद में जो श्री प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि आप स्नान कर सकते हो, तो आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब ये राधा कुंड ही, राधा कुंड श्रीमती राधा रानी की तरह ही इतना पवित्र है, इतना महत्वपूर्ण है, तो हम इसमें स्नान कैसे कर सकते हैं, है ना, स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये हमें गुरुजनों से पूछना चाहिए, जो जो हमारे वरिष्ठ भक्त जिनके हम साथ जाते हैं, तो उनसे ही पूछना चाहिए कि हम किस तरह से उनका आदर करते हुए इसमें स्नान कर सकते हैं। तो स्नान कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट से पैर को नहीं डालना चाहिए, पहले प्रणाम करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। जिस तरह से हम माता की गोद में बैठना कितना पवित्र होता है, हर बच्चा जो होता है वो माता की गोद में बैठता है और उसमें मतलब अगर देखा जाए तो माता को कष्ट हो, लेकिन माता क्योंकि बहुत प्यार करती है तो इसलिए वो सहन करती है। और इसी तरह से श्रीमती राधा रानी जो है वो बहुत करुणामयी है और अपने सारे प्रेम के आंचल में हम सब भक्तों को बिठाती है, तो बहुत ही आदर के साथ वहां पर स्नान करना चाहिए और जो वहां पर स्नान करता है उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। अनुवाद देखिए, अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रियसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। बहुत सब प्रेम करने वाले हैं, सारी ब्रज बालाएं प्रेम करती हैं, गोपियां प्रेम करती हैं, लेकिन उनमें निश्चित रूप से सबसे ज्यादा श्रीमती राधा रानी भगवान की प्रियसी है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है जितनी वो प्रिय है उतना ही उनका कुंड। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से अलम सुलभम, चाहे वो भक्त भी हैं उनको भी बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। जो बहुत बड़े चढ़े भक्त हैं उनके लिए भी और हम जैसे जो कनिष्ठ भक्त हैं उनके लिए तो बहुत कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर लेता है तो उसे कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतया प्रकट हो जाता है। एक बार स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया प्रेम प्राप्त हो जाता है, इसलिए सदैव ये इच्छा करनी चाहिए कि हमको कभी भगवान श्री कृष्ण के इस अत्यंत ही प्रिय श्रीमती राधा रानी के कुंड में स्नान करने का अवसर मिले। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है जो श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्र है। तो जो भगवान है, भगवान जिसको पूछते हैं, भगवान जिसको प्रेम करते हैं, ये श्रीमती राधा रानी का कुंड है, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय है, इसी प्रकार उनका सरोवर राधा कुंड भी बड़े चढ़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण को साक्षात श्रीमती राधा रानी के समान ही प्रिय है। निस्संदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण का सभी तरह से एक जैसा है, कृष्ण का प्रेम एक जैसा है। राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े 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 ऋषियों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तो फिर उनका सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कृष्ण का सबसे सर्वाधिक प्रिय सी जो श्रीमती राधा रानी है उनका प्रिय कुंड है, तो ये बहुत दुर्लभ है हर किसी के लिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो केवल वैधि भक्ति के अभ्यास में लगे हुए हैं, हम लोग जो अभी तक जिनके अंदर रागा रोगा प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति, तो उनका क्या कहना है, उनको पता नहीं कभी इसका दर्शन करने का भी अवसर मिले कभी ना मिले, तो उन
जो बड़े चढ़े भक्त हैं, जो रागानुगा भक्त हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पहुंचना, वृंदावन जाना बहुत सरल है अगर देखा जाए तो, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत करीब जो वृंदावन के, दिल्ली में भी बहुत सारे भक्त ऐसे रहते हैं जिन्होंने वृंदावन के दर्शन नहीं किए। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तानी भक्तों का तो वैसे ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है वीजा का, जाने का। लेकिन इंडिया में रहकर, भारत में रहकर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वृंदावन नहीं जाते, बहुत करीब करीब के वृंदावन के, जिनको सिर्फ 2-4 घंटे का ट्रेवल होता है, वो भी नहीं जाते जा सकते। क्योंकि वृंदावन में सिर्फ वही जा सकता है जिसको श्रीमती राधा रानी की परमिशन, राधा रानी की कृपा के बगैर कोई भी वृंदावन नहीं जा सकता। हमको अगर वृंदावन जाना है तो हमारा धन, हमारा जो स्ट्रगल है, या हम, हमारा एजुकेशन है, जो हमारे लिंक्स हैं बड़े लोगों के साथ, वो काम नहीं आएंगे। वृंदावन जाना है तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधा रानी की कृपा काम आएगी। जब श्रीमती राधा रानी की कृपा करेगी, फिर सारे सरकमस्टेंसेस खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। आज हम नहीं जा सक रहे हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी की अनुमति नहीं है या उनकी कृपा नहीं है। जब हम अपने प्रयासों से श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लेंगे तो ही हम वृंदावन में जा सकते। और वृंदावन में भी, यहाँ पर तो राधा कुंड के बारे में कहा गया कि वृंदावन में जाकर भी बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो वृंदावन जाते हैं लेकिन राधा कुंड के दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े भक्तों को भी नहीं मिलते हैं। तो फिर हमारे जैसे जो वैदिक भक्ति करने वाले, तो जो वृंदावन में जाकर श्रीमती राधा रानी के कुंड, राधा कुंड में जाता है और वहां जाके स्नान करने का अवसर मिलता है, उसके जैसा भाग्यशाली तो यहाँ पर बताएगा कोई नहीं, क्योंकि उसको डायरेक्ट से कृष्ण का प्यार मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है तो वह तुरंत ही कृष्ण प्रेम, गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई हम तो स्नान करके आए हैं ना, हम तो कितनी दफा जाते हैं, स्नान करके आते हैं, लेकिन गोपियों जैसा तो क्या, हमको तो साधारण भक्तों जैसा भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम उसे राधा कुंड एक सरोवर समझ के आते हैं। जितनी जितनी हमारी श्रद्धा होती है ना, उतना उतना लाभ मिलता है, चाहे वो विग्रह हो चाहे भगवान हो। भगवान भी साक्षात सामने आते हैं लेकिन दुर्योधन और कंस जैसे जितने दुराचारी होते हैं उनको तो कोई लाभ नहीं होता है भगवान के समक्ष आने का भी। तो उसी तरह से राधा कुंड में भी जब आपकी श्रद्धा दृढ़ होती है, जब आप उसके प्रति आपका प्रेम, आपका आदर दृढ़ होता है, तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। तो यहाँ श्री प्रभु श्रीरा रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप में से ना भी रह सके तो भी कम से कम जन जिन जितनी बार हो सके उसे सरोवर में स्नान कर ही लेना चाहिए। भक्ति उत्पन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्रा दासियों, मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक है, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीर यानी सिद्ध देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। तो अगर हम कंटिन्यूस वहां रह नहीं सकते हैं तो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि एटलीस्ट जितना हो सके वहां पर जाकर स्नान करना चाहिए। जो अपने सिद्ध देह को प्राप्त करना चाहते हैं, जो वो जो ये जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में मेरा क्या स्वरूप है, मंजरियों या जो भगवान की दासियों का जो स्वरूप है वो कैसा मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो उनको इस दिव्य स्थान में जरूर जाना चाहिए और वहां पर स्थायी रूप पर रहने की कोशिश करनी चाहिए। स्थायी रूप पर नहीं रह सकते हैं तो एटलीस्ट वहां पर जाकर गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक है, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्रता दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्रीमती राधा रानी की सेवा करनी चाहिए।
तो जिस तरह से जो श्रीमती राधा रानी की जो सखियां हैं, जो मंजरियां हैं, जो श्रीमती राधा रानी की सेवा करती हैं, उसी तरह से हृदय के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हमें हमारा वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो। और ऐसा नहीं है कि हम ये सोचेंगे भाई हम तो इतने कनिष्ठ हैं, हमारी तो कभी ऐसी स्थिति हो कि नहीं। हमारा वास्तविक स्वरूप वही है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आज आवरण लगाया हुआ है माया का, ये माया का पर्दा लगा हुआ है जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में, रियल स्थिति वही है, आध्यात्मिक जगत में हमारा एक स्वरूप है और वो स्वरूप कैसा है, कृष्ण का नित्य दास। तो इच्छा यदि करनी है तो यही करनी है कि हमें हमारी वास्तविक स्थिति प्राप्त हो जाए, इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का क्या मतलब है, जैसे अगर हम हमेशा बोलते हैं मोक्ष प्राप्त हो, तो मुक्ति का क्या मतलब है कि जब हम बंधे हुए हैं और हमें मुक्त कर दिया जाए। जैसे कोई जेल में है, उसको अगर दरवाजा खोल के जेल से मोक्ष मुक्ति कर दिया जाए तो भी वो बंधा हुआ ही है, क्योंकि वो तो किस अगर वो अपने लोगों के साथ नहीं रहता है, उस जगह पर नहीं पहुंचा है जहां पर उसके, तो भी वो कैद ही है। मुक्ति का मतलब जो मेरे अपने हैं उनके साथ में स्वतंत्रता के साथ जी सकूं। आज हम देखा जाए तो हमारे दरवाजे खुले हुए, हमें बेड़ियां नहीं लगी हुई, फिर मुक्ति मुक्ति क्यों कहा जाता है, मुक्त कर लो मुक्त कर दो, क्योंकि हम जो ये आवरण में बंधे हुए हैं, ये जो अज्ञानता का, ये देहात्मा बुद्धि का जो आवरण है वो खुल जाएगा और सिद्ध देह प्राप्त हो जाएगी, जो हमारा वास्तविक स्थान है, जो हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम वास्तव में भगवान के कौन से पार्षद हैं, कौन सी मंजरी, कौन सी सेवा है, वो जब प्राप्त होती है तो वास्तविक में वो मुक्ति होती है। तो जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी लिखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कितना दुर्लभ है, नारद सनत कुमार वो भी तरसते हैं, जो बड़े बड़े देवी देवता है ना वो भी तरसते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं कि कब मुझे श्रीमती राधा रानी के कुंड की दर्शन और वहां पर स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो जो साधारण व्यक्ति है जब उनको प्राप्त होता है तो उनको समझना चाहिए कि ये मेरे पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है। तो उससे क्या होता है, कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम विकसित हो जाता है, जिस तरह से गोपियों ने भगवान के प्रति प्रेम किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नियमित रूप से मतलब जितना ज्यादा हो सके वहां पर, या तो वहां पर ही अपना घर लेकर अंतिम समय में कभी हृदय में प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सब जो परपंच है उसको छोड़कर राधा कुंड में निवास करें और वहीं पर राधा कुंड का जल पिएंगे, उसमें स्नान करेंगे, राधा रानी की सेवा करेंगे और ऐसे करते करते अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा रानी तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्रीमती राधा रानी की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे पर रहकर सोचा था। तो इतना सुंदर सपना है कि वहां यहाँ भौतिक जगत में हम राधा कुंड के किनारे पर बैठकर सोच रहे हैं कि कब हमें वास्तविक स्थान, वास्तविक अपना स्वरूप प्राप्त होगा और हम श्रीमती राधा रानी के, सोचना चाहिए कि मेरी क्या स्थिति है। मैं वहां अगर कभी कभी मैं सोचती थी, पहले मुझे ऐसा लगता था कि ना हम सब जब
हमारा अपना एक स्थान है वहां पर, तो मुझे क्या सेवा मिलेगी श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी के चरणों को चरणों को धोकर उसपे साफ करके उस पे मेहंदी लगाने का कार्य किसी का होता होगा, किसी को राधा रानी के हाथों पर मेहंदी लगाने का कार्य होगा, कोई राधा रानी की गजरे गजरे के लिए फूल जो है ना वो गजरे बनाता होगा, कोई पुष्प चुन के आता होगा, कोई श्रीमती राधा रानी के वस्त्र को डेकोरेट करता होगा, कोई श्रीमती राधा रानी के लिए क्या सेवा करता होगा क्या सेवा करता होगा। तो जैसे जैसे हम सेवा वहां पर ऐसा बता रहे हैं कि जैसा भी अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे पर रहकर सोचता है वैसे उसको वास्तविक स्थिति में प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही उच्च स्थान है, एटलीस्ट हमको सोचना तो चाहिए कि कभी हमको श्रीमती राधा रानी की डायरेक्ट से सेवा करने का अवसर मिले। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं निष्कर्ष यह निकलता है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। तो ये सबसे सुंदर सिद्धि क्या है कि राधा कुंड में वहां स्थान प्राप्त करके वहां पर बैठकर हम अपनी साधना करें, वहां पर बैठकर भगवान के साथ अपने टूटे हुए संबंध को पुनः निर्माण करने का प्रयत्न करें। बड़े बड़े जो ऋषि हैं नारद जैसे उनके लिए भी प्राप्त करना कठिन है। इस प्रकार श्रीमती श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो जो राधा कुंड में सेवा करता है उन्हें गोपियों का निर्देशन प्राप्त होता है कि किस तरह से आपको सेवा करनी है, और उस तरह से वो भी राधा रानी की सेवा उसी तरह से कर सकता है जिस तरह से उनकी दासियां उनकी मंजरियां करती हैं, और इसी जीवन में ही वो आध्यात्मिक जीवन का अनुभव करने लगता है, और उसके परम देह छोड़ने के बाद वो श्रीमती राधा रानी के धाम में जाकर वैसी ही प्रकार की सेवा कर सकता है जैसा कि उसने यहाँ राधा कुंड में रहकर अनुभव किया है, सोचा है या सपने देखे। तो सपने उसी के साकार होते हैं जिन्हें सपने देखना आता है। तो ये बहुत ही सुंदर सपना है कि एक दिन हम सब श्रीमती राधा रानी वहां नित्य धाम में जाकर भगवान के गोलोक वृंदावन में जाकर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के वास्तविक सेवा को हमें हम प्राप्त करेंगे। वहां पर सब मिलकर हम श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की बहुत ही सुंदर रीति से सेवा करेंगे। उसके लिए कभी अवश्य राधा कुंड में जाकर स्नान करना है और हृदय से प्रार्थना करनी है कि कृपा कीजिए महाराज, बहुत जन्म हो गए हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में मर घूमते 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 अब थक गए हैं, अब हमारी वास्तविक स्थिति आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए ताकि हम अपने इस जीवन को सफल कर सके। और सफलता क्या है, जब हमें किशोर और किशोरी श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा करने का अवसर मिलता है, आध्यात्मिक जगत में अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ पर हमने उपदेश अमृत के 11 श्लोक संपन्न कर लिए हैं, जिसमें शुरू में हमने देखा कि किस तरह से वैधी भक्ति वैधी साधन भक्ति में पहले से लेकर 7 श्लोक तक हमने पढ़ा। शुरू में तो हमें ये बताया गया कि वेगों को कंट्रोल करना है, उसके बाद वो कौन सी वस्तुएं हैं जो कि हमारी भक्ति में हमको भक्ति से गिराती है, अत्याहार प्रयास, और कौन सी 6 चीजें कौन से कार्य हैं जो हमें भक्ति में उन्नत करते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य, और उसके बाद साधु संघ की महिमा सुनी कि किस तरह से हमको साधुओं के साथ भक्तों के साथ डील करनी है, ददाति प्रतिगृहणाति कुरियम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते, उनको देना चाहिए लेना चाहिए, उनको अपने सीक्रेट्स बताने चाहिए, और उसके उपरांत हमने ये पढ़ा कि किस भक्त के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जो कृष्ण का नाम लेते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, हृदय से प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने दीक्षा ले ली हुई है उनको उनको दंडवत करना चाहिए, और जो
जो बहुत बड़े चने हैं जो कभी किसी की निंदा नहीं करते उनका संग करना चाहिए, और उसके उपरांत के भक्ति जो भगवान का जो नाम है, जो गुण है, लीला है, वो उतनी ही सुंदर है जितना कि मिसरी होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे हमारे अपने ऊपर पित्त का रोग लगा हुआ है, इसके कारण जो है वो हम उसका वास्तविक आस्वादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको इस नाम को लेते रहना है, जिस तरह से हम उसका वास्तविक आस्वादन स्वादी प्रमाद भवती तद्भव मूलहंत्री ले सके उसका। और उसके बाद जैसे ही हमारा वास्तविक जो प्रेम उत्पन्न होने लगेगा, उसके बाद भगवान के नाम गुण रूप के अंदर हमारा और भी अधिक अनुराग उत्पन्न होगा। और ऐसे भक्तों के पद चिन्हों पर चलना है, भक्तों के अंदर कभी कोई दोष नहीं देखना है। फिजिकली वो कैसे हैं, जिस तरह के गंगा के अंदर बुलबुले आ जाएंगे तो उस गंगा का पानी अपवित्र नहीं होता है, तो भक्तों के अंदर कभी भी हमको कमियां नहीं देखनी चाहिए। और फिर हमको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस 24 घंटे किस तरह से भगवान के नाम गुण लीलाओं की महिमाओं को हमें सुनना चाहिए। इस तरह से जो रागानुगा भक्ति जो है, भाव भक्ति के बाद उसके बाद रागानुगा भक्ति यानी कंटिन्यूस किस तरह से भगवान के साथ हम प्रेम कर सकते हैं, उसके बाद भक्ति की पूरी परिक्रिया है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान की सबसे ज्यादा प्रियतमा है, और उसी तरह से कौन सा स्थान सबसे ज्यादा प्रिय है। भौतिक जगत से वैकुंठ अधिक प्रिय है, वैकुंठ से अधिक जो है वो गोवर्धन प्रिय है, वृंदावन प्रिय है, क्योंकि मथुरा में भगवान ने जन्म लिया तो मथुरा प्रिय है। मथुरा में वृंदावन ज्यादा प्रिय है क्योंकि वहां पर भगवान ने लीलाएं की है। वृंदावन में जो गोवर्धन है उसको क्योंकि भगवान ने उठाया है तो वो ज्यादा अधिक श्रेष्ठ है, और उसमें भी राधा कुंड सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वो कौन सा बेवकूफ होगा जो राधा कुंड जाना नहीं चाहेगा, या वो कौन सा विवेकी होगा जो वहां सेवा नहीं करना चाहेगा। और इस तरह से आगे बताया कि पहले तो जो सकाम कर्मी होते हैं वो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं ज्ञानी जन से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और उनमें भी जो भगवान के बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं जो भगवान की गोपियां हैं, और उन गोपियों में भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। और जिस तरह से श्रीमती राधा रानी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का जो कुंड है वो भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए यदि कोई एक बार भी उस राधा कुंड में स्नान करता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही प्रेम प्राप्त हो जाता है जैसा कि श्रीमती राधा रानी और गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप श्रील रूप गोस्वामी ने यहाँ पर हमें अपनी वास्तविक जो स्थिति है वहां तक पहुंचाया है। और आप सबका बहुत बहुत आभार है जो मुझ जैसे दुर्मुख से इतने सुंदर सुंदर भगवान के वचनों को और श्रीरूप गोस्वामी के उपदेशों को श्रवण करना आपने स्वीकार किए हैं। कृपया अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। एक बार ये सारे श्लोक एक साथ हम पढ़ेंगे ताकि हमको एक बार वापिस से रिवाइज हो जाए। जामंती आप स्टार्ट से शुरू वाले श्लोक से शुरू कीजिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्रुपस्थ वेगम एतान् वेगान्यो विषहेत दीर्घ सर्वम् अपि माम् पृथ्वीं सशिष्यत् अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रहः जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहनिश्चयादर्यात् तत्तत्कर्मा प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति।
ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भोङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणा कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विख्यमनन्यमन्य निन्दादिशून्यरिदमिप्सितसङ्गलभ्य दृष्टै स्वभावजनितै वपुषश्च दोषै प्राकृतत्वमिह भक्त न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां वसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैर् ब्रह्मा द्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मै तत्तन्नाम रूप स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किं त्वाधरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तत्कदमूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तनानु स्मृत्युक्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयोदखिलं मित्युपदेशसारम् वैकुण्ठजनितो मधुपुरी तत्रापि रात्सोत्सवा वृन्दारण्यमुदारपाणिरमण तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेम अमृतालावना कुर्यातस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकः कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं युयुर्ज्ञानिनास्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठा तद्विधियं तदीयसरसि तां न श्रयेत् कः कृते कृष्णस्युच्चै प्रणयवसति प्रियसिभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरपि तस्तादृकेव व्यधाय दायी यत्प्रेष्ठप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजा तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण जी। तो यहाँ तक हमारे 11 श्लोक पूरे हो गए। यदि इसके ऊपर किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो कर सकते। हरे कृष्ण माता जी, आज के श्लोक में मुझे एक सवाल है। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने जो बोला है कि नारद और सनक को भी राधा कुंड का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो वो तो बहुत शुद्ध भक्त है, तो उन्हें क्यों अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है? मतलब इतना कठिन क्यों है उनके लिए भी?
राधा कुंड का नहा मतलब वहां पे स्नान करने का अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी इतना कठिन क्यों है? वैसे तो ये लिखा हुआ है, हमको एजिटेस ही समझना है, लेकिन इसलिए भी है कि गोपियों की तरह प्यार करना, राधा रानी की तरह प्यार करना, वो हर किसी के लिए संभव नहीं है। अब वो जो है ना राधा कुंड है, वहां पर श्रीमती राधा रानी उन्हीं को सिलेक्टेड जो लोग होते हैं, जिनसे जिनका भाव प्रेम जो राधा रानी देखती है कि भाई इसको मुझे अपने जैसा प्रेम देना है, जैसे बताया गया कि वहां पर वही वहां पर जो स्नान करेंगे उनको गोपियों के जैसा प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो ये ना जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीज जाते हैं, पता नहीं कौन सी बात उनको अच्छी लगती है, किसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये इनका नाम लेकर इसलिए बताया गया है कि इतनी स्थिति में पहुंच जाएंगे, अगर हम इतने महान भक्त भी हो जाएंगे तो भी ये नहीं कि हमको अधिकार मिल जाएगा कि वहां पर जाके हम रह सकें या स्नान कर सकें। ये तो तभी संभव है जब श्रीमती राधा रानी की कृपा होती है। तो क्यों उनको नहीं मिलता है ये तो नहीं पता मुझे भी कि क्यों नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ तक ये बताया गया कि हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए इच्छा करनी चाहिए कि हमें मिल जाए कभी भगवान के उस पवित्र स्थान में जाकर स्नान करने का और रहने का अवसर। जी माता जी, उत्तर मिल गया मुझे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर हमने उपदेश अमृत के 11 श्लोकों को कंप्लीट किया है। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा है श्री रूप गोस्वामी की। अब कल से हम श्रीमद् भागवतम प्रारंभ करेंगे, तो श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद हम पढ़ रहे हैं, जहां तक हमने किया है कर्दम ऋषि के जाने के बाद जो कपिल देव माता देवहूति को जो शिक्षा दे रहे हैं वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। और सीरीज में जैसे जैसे हम एक एक श्लोक को पढ़ के उसको समझने का प्रयास करेंगे, आप सब एक बार श्रीमती राधा रानी से, अपने अपने घर के ठाकुर जी से मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं श्रीमद् भागवतम को कंप्लीट करना चाहती हूँ अपने सेवन में, कि मैंने जहाँ तक किया है 3 सिकंद हो गए हैं, अभी 2 चैप्टर आखिर के रह गए हैं, और आखिरी मेरी इच्छा है कि मरने से पहले ये कंप्लीट कर सकूं। और पहले मैं बहुत तीव्रता के साथ करती थी, शायद मेरे लिए बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं होती थी, अब शायद प्रार्थनाएं आना बंद हो गई है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ऑफलाइन लेक्चर्स जो है वो तो मैंने मतलब रिकॉर्ड ऑडियो नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं डायरेक्ट से लाइव इन पर लेक्चर्स करूँ। तो आप सब प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं ये कर सकूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी की जय। नित्य लीला प्रवेश में शरणार्विंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गौरा हरे।